पीएम बनाना चाहती है पब्लिक, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल, ये रहा सर्वे का आंकड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अगले 2 महीनों के भीतर देश में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में फिलहाल कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च लास्ट तक चुनाव आयोग आम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में लगातार चुनावी सर्वे किए जा रहे हैं। बीजेपी 400 प्लस के नारे के साथ सत्ता में वापसी का प्लान कर रही है। 2024 में अगर जनता का फैसला एनडीए के पक्ष में आता है तो पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बीच करीब 5 महीने पहले किए गए एक सर्वे के आंकड़ों के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 के लिए प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन है। लोगों को इस सर्वे में प्रधानमंत्री की पहली पसंद के रूप में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे नाम दिए गए थे, जिसमें से लोगों ने तय किया कि वो अगले चुनाव में किस नेता को अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आंकड़ों पर नजर डाले तो 5 महीने पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद थे। 61% लोगों ने पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर 21% लोग देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को पसंद करने वालों का आंकड़ा बहुत कम है। महज 3% लोग ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार और मायावती को 6% लोगों ने प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बताया है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।